कभी आपने सोचा है कि जिस व्यवस्था को ताकतवर समुदाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इंजॉय करने लगे और धीरे धीरे वक्त बदले, ताकत बदल जाए, ताकतवर समुदाय की संख्या कम हो जाए और जिसे कमजोर बनाया गया था वो ताकत में आ जाए और उसी भाषा में जवाब देने लगे तो खेल के नियम बदल दिए जाए। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, भारत माता की जय। जय भवानी, जय शिवराय। ओम करणांग बदनांग घोरांग मुक्त केशी चतुर्भुजांग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुन्नु माला विभूषितांग शरणागत दीनार्थ परिस्थान परायणे सर्वशाति हरे देवी नारायणी नमस्ते। बोला नमः पार्वती पते आहारा हारा महादेव। जय जय श्री राम। राधे राधे, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अभी आप जिन नारों को सुन रहे थे ये अब से पहले के नारे थे। संसद के भीतर सदस्य चुन लिए जाने के बाद जब शपथ ग्रहण हुई तो 2014 और 2019 में खूब जमकर धार्मिक नारे लगाए गए, शपथ के पहले और अधिकतर शपथ के बाद। किसी को दिक्कत नहीं हुई, किसी को परेशानी नहीं हुई, क्योंकि तब विपक्ष कम संख्या में था, उनके सांसद कम थे। कभी उनमें जो तेवर वाले लोग थे वो तब भी विरोध किए मगर उनकी आवाज दूर तक न जा सकी। 2014 और 2019 में बहुत सारे सांसद जो बीजेपी की तरफ से एनडीए में शामिल थे उनको पता था कि पूरे 5 साल उनका चेहरा शायद कभी न दिखे, इसलिए शपथ ग्रहण के दिन ही अपने आका को खुश कर लो, अपने लोगों को खुश कर लो, इसलिए जमकर धार्मिक नारे लगाए गए। भूले तो नहीं आप? एक तरफ से ऐसे नारे लगाए गए कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भगवान को याद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो किसी को चढ़ा रहे हैं। लेकिन नियम नहीं बदला गया। शपथ लेने के पहले या शपथ लेने के बाद आपको जो दिल में आता था आप बोलते थे। 2024 का समय आया, वक्त बदला, हालात बदल गए और सदन के भीतर बहुत सारे वो लोग पहुंच गए जिनके शपथ ग्रहण के बाद नारे गूंजने लगे, जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय समाजवाद, जोहार संविधान जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। जय संविधान, जय समाजवाद, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, पीडीए जिंदाबाद। जय भीम, जय समाजवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। जय समाजवाद, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी। जय भीम, 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 जय संविधान। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद, जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। ये वही खेल तो था जो कल तक कोई और खेल रहा था, ये वही परंपरा तो थी जो कल तक कोई और किसी और रूप में निभा रहा था। लेकिन तब नियम क्यों नहीं बदले गए? जितना इस बार नारे लगे, नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन जी, जय भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। उससे कई गुना ज्यादा बार इसके पहले नारे लगाए जा चुके थे।
लेकिन नियम कायदों से खेल खेलने वाले लोग उन नारों को लेकर सहज थे, या शायद उसे मिजाज के थे। नियम नहीं बदला, नियम वही रहा, लेकिन अब नियम बदल गया। इस पत्र को गौर से देखिए। लोकसभा बुलेटिन पार्ट टू, जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पार्लियामेंट एंड द अदर मैटर्स, ट्यूसडे जुलाई 2, 2024, अमेंडमेंट टू द डायरेक्शन बाय द स्पीकर लोकसभा। यानी गौर से समझिएगा इस पत्र को, ये लोकसभा अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र है। अध्यक्ष, और कम से कम पिछले 5 साल तो वही अध्यक्ष थे और वो सब कुछ देखा और सुना और जानते हैं। डायरेक्शन 1 में नीचे लिखा हुआ है पॉइंट 3, अ मेंबर शैल मेक एंड सब्सक्राइब ओथ और अफर्मेशन एज द केस मे बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन द 3rd शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड शैल नॉट यूज एनी वर्ड और एक्सप्रेशन और मेक एनी रिमार्क एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स टू द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन। इसको आसान भाषा में बताऊं, एक प्रोफार्मा, एक प्रारूप मिलता है शपथ लेने के लिए, और अब ये नियम लोकसभा अध्यक्ष बना रहे हैं कि उस प्रारूप के प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी उसकी शुरुआत में, पहले या बाद में, आप कुछ भी जोड़कर नहीं बोल सकते, केवल उतना बोलना है। ठीक बात है, सबके लिए नियम एक जैसा रहेगा, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को, जो कि वो सुप्रीम है उस पूरे सदन के, तो उन्हें ये हक और अधिकार इस देश का संविधान देता है कि वो नियम बनाए, नियम बदलें, परंपरा चलाएं, परंपरा बदलें। तो ये तो एक वैधानिक काम है। सवाल तो जहन का हम कर रहे हैं, मंशा का कर रहे हैं। सवाल ये कर रहे कि महोदय, बहुत देर कर दिया आने में, क्या आपने वो दृश्य नहीं देखे सदन के भीतर कि एक धर्मनिरपेक्ष संविधान को जीने वाले देश में सदन के भीतर केवल धार्मिक नारे ही नहीं लगे, मुसलमानों को आतंकवादी भी कहा गया। थोड़ी बहुत औपचारिकता हुई जो फेस सेविंग के लिए जरूरी भी थे, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जो पहले होता था वो बदल गया। तो आप इतनी जल्दी बदल गए, खफा हो गए, नाराज हो गए? 2-4 बार चलने दिए होते इस देश को, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद, जोहार के नारों को थोड़ा और सुनने दिए होते, आप तो बहुत जल्दी कर गए जनाब, और इतनी जल्दी नियम बदल गए। लेकिन शपथ के पहले और बाद में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये नारे क्रांति के नारे, विचारधारा के नारे, और हमारे जैसे लोग जाने कब से इन नारों को पूरे देश में बोलते रहे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। इस देश के लाखों करोड़ों लोग इन नारों से ताकत लेकर के, जज्बा लेकर के, हिम्मत लेकर के, जाने कितने सालों से ये नारे बोलते चले आ रहे। सड़क पर ये नारे और गूंजने वाले हैं, संघर्षों में ये नारे और बुलंद होने वाले हैं। सदन के भीतर शपथ के दौरान ही तो नहीं ले सकते, उसके आगे पीछे बहुत मौके मिलेंगे। सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये देश जय भीम, जय मंडल से चलेगा। संविधान जिंदाबाद था, है और रहेगा। उलगुलान जिंदाबाद था, है और रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद था, है और रहेगा। शुक्रिया।